आज हम बहुत ही करारे और बहुत ही टेस्टी मंगोड़े बनाएंगे। बारिश की सीजन में मंगोड़े बनाए बिना नहीं रहा जा सकता। मंगोड़े जरूर से बनाएं। आप देख सकते हैं मंगोड़े हमारे बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। मंगोड़े ऊपर से एकदम क्रिस्पी और करारे बनते हैं और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। इसको मैंने यहाँ पर दो चटनी के साथ सर्व किया है। खट्टी मीठी चटनी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व किया जाता है। अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं मंगोड़े। मैंने यहाँ पर मंगोड़े बनाने के लिए छिलके वाली मूंग की दाल ली है। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम छिलके वाली मूंग की दाल ली है। दाल को हम बड़े बाउल में डाल देते हैं और इसको हमें भिगो देना है। हम इसको नॉर्मल पानी के साथ 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। ज्यादा नहीं भिगोने की जरूरत पड़ेगी। 2 से 3 घंटे बाद आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। दाल को हमें 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से धो लेना है। धो के हमें पानी को निकाल देना है। हमें इसको दाल को बिना पानी के ही पीसना है। हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड करके इसको ग्राइंड नहीं करेंगे या पीसेंगे नहीं। आप देख सकते हैं इसका पानी हमें बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। आप देख सकते हैं ऐसा हमें दाल को पीस के तैयार करना है। दरदरा ही रखेंगे हम इसको, ज्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं बनाएंगे। ऐसे ही हमें पूरी दाल को अच्छे से पीस लेना है। आप देख सकते हैं दाल को मैंने पीस लिया है और मैंने इतनी दाल साइड में रखी थी जिससे कि उसके दाने ऐसे क्रिस्पी बीच में आएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब हम दाल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऐसा बाइंड आना चाहिए तो हमारे मंगोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर 2 कटे हुए प्याज लिए हैं बारीक काट के, कुटा हुआ खड़ा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, सौंफ कुटी हुई ली है 1 से 1.5 टेबल स्पून और ग्रेटेड जिंजर या अदरक है जिसको कि मैंने ग्रेट करके रख लिया है। हरी मिर्च है 4 से 5 बारीक कटी हुई और कुटी हुई काली मिर्च है जो कि 1 TSP है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 400 से 500 ग्राम पालक भी ली है बारीक काट के। अब हम मंगोड़े का मसाला तैयार कर लेते हैं। खड़ा धनिया डालेंगे जिसको कि मैंने कूट के रख लिया था। सौंफ को भी हमें ऐसे दरदरा कूट के ही डालना है। सभी चीजें फ्रेश कूट के डालें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जिंजर थोड़ा हमें ज्यादा डालना है, 2 से 3 इंच मैंने जिंजर लिया था और कुटी हुई काली मिर्च डालना है और प्याज को हमें ऐसा बारीक काट के डालना है। यदि आप प्याज नहीं खाते तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और पालक को हमें इसमें ऐड कर देना है और 2 से 3 चम्मच या स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हींग को पानी में भिगो के रखा था। खड़ी पत्थर हींग है, उसको मैंने भिगो के रखा था। 2 से 3 चम्मच हमें इसमें हींग का पानी ऐड करना है। हींग का पानी ऐड करने से मंगोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। और 2 बड़े चम्मच या 4 टेबलस्पून हमें इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन की क्वांटिटी यदि दाल के साथ पालक और हमने प्याज डाला है तो वो पानी जितना छोड़ेगा उसके अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इस बैटर को आप बना के ज्यादा देर के लिए ना रखें, नहीं तो पालक और प्याज पानी ज्यादा छोड़ेगा तो आपको बेसन ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें ऐसा बाइंडिंग आना चाहिए जिससे कि हमारे मंगोड़े बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल रख दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए बाद हमें इसमें डाल देना है। आप बॉल्स बना के गोल गोल डाल दीजिए। इसको हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है। आप देख सकते हैं सारे बॉल्स मैंने बना के मंगोड़े के डाल दिए हैं। स्लो गैस पे हमें इसको ऐसा तल के एक बार निकाल देना है। आप देख सकते हैं इसको हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है। तब तक हम दोबारा से मंगोड़े तल लेते हैं। ऐसा करने से मंगोड़े ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको हमें ऐसा कच्चा पक्का निकाल लेना है एक बार।
अब हमने जो पहली फ्राई में जो मंगोड़े बनाए थे जो थोड़े से ठंडे हो गए हैं, उसको हमें ऐसे कटोरी की मदद से दबा देना है। यदि हमने इसको गरम गरम में दबाया तो ये बहुत ही ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए इसको एक बार निकाल के थोड़ा ठंडा कर ले, तब तक दूसरे मंगोड़े फ्राई कर ले और वो ठंडे होंगे तब तक ये फ्राई हो जाएंगे। ऐसे अल्टरनेट आप कर लीजिए तो मंगोड़े हमारे बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। इसको हमें ऐसा चपटा करके या फ्लैट करके दोबारा से फ्राई करना है, जिससे कि इसमें ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं होगा और ऊपर से करारे और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। इसको दोबारा हमें मीडियम हाई फ्लेम पे करना है, स्लो गैस पे नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी और करारे। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमने जो दोबारा से फ्राई किए थे उसको भी हमें ऐसा फ्लैट करके दोबारा से उसको फ्राई कर देना है। आप देख सकते हैं ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। सारे मंगोड़े हमारे अच्छे से बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको मंगोड़े को बिल्कुल ऑयल फ्री बना के भी बताऊंगी। मैंने यहाँ पर एयर फ्रायर को 200 डिग्री पे 3 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। 3 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे और इसमें हम बेकिंग पेपर को रख देंगे और उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें सेम बैटर को रख के बनाना है। आप देख सकते हैं इसको हमें ऐसे रख के थोड़ा सा फ्लैट करना है। ऐसे हम सारे मंगोड़े रख देंगे। आप देख सकते हैं मैंने रख दिए हैं। अब इसको हमें दोबारा से एयर फ्राई करना है। इसको हम 10 मिनट के लिए करेंगे। 200 डिग्री पे हमें 10 मिनट के लिए इसको एयर फ्राई करना है। 4 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से खोल के चेक कर लेते हैं और इसको हमें एक बार पलट लेना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी होना स्टार्ट हो चुके हैं। हमें इसको एक बार पलट के दोबारा से रखना है। हम दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 4 मिनट के बाद मैंने दोबारा से इसको चेक किया है। डिपेंड करता है आपका एयर फ्रायर कितनी स्पीड में वर्क करता है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। इसको हमें दोबारा से एक बार पलट लेना है और दोबारा से हम इसको 2 मिनट के लिए रखेंगे। टोटल 10 मिनट में हमारे मंगोड़े बनके तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी मंगोड़े हमारे बनके तैयार हुए हैं। इसका टेस्ट एज इट इज फ्राई किए हुए मंगोड़े की तरह ही आएगा। बिल्कुल ऑयल फ्री मंगोड़े हमारे बनके तैयार हुए हैं। आप इसको भी बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत परफेक्ट रेसिपी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी फ्राइंग किए हुए मंगोड़े की तरह ही आया है। मैं मंगोड़े को तोड़ के भी बताती हूँ जो हमने एयर फ्राई में किए थे। आप देख सकते हैं अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्पी है। बहुत ही अच्छा मंगोड़ा बनके हमारा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं सारे मंगोड़े मैंने सर्व कर दिए हैं और इसको हम खट्टी मीठी अमचूर की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल भी इसमें ऑयल एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। एयर फ्रायर के मंगोड़े भी आप देख सकते हैं और फ्राइंग मंगोड़े भी आप देख सकते हैं, दोनों ही हमारे बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं। आप इसको ऊपर से चटनी डाल के सर्व कर सकते हैं, साइड में चटनी रख के भी सर्व कर सकते हैं। सभी को पसंद आए ऐसी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को जरूर से घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।